नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि बिहार के शिक्षकों को जो नियोजित शिक्षक हैं उनको ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए यह हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। जो इसके पहले वीडियो शेयर किया था उसमें एनटीए वेबसाइट पर क्यूज के द्वारा मैं शेयर किया था और बताया था कि कैसे सीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा दिया जाता है। यहाँ पर आपको बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है यह डेमो लिंक पर जाकर आसानी से आप टेस्ट को दे सकते हैं। सबसे पहले गूगल में वेबसाइट हिंदी सर्च करना है। आपके सामने यह लिंक दिखाई देगा, पहले वाले लिंक पर क्लिक करना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद में तमाम प्रकार के जानकारियां आपको मिलेंगी। यदि आप तैयारी कर रहे हैं परीक्षा के लिए तो आपके लिए वेबसाइट हेल्पफुल हो सकती है। यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट लिंक मिल जाता है। यदि आप मोबाइल के ब्राउजर में कर रहे हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देगा और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे आना है। यहाँ पर लिंक मिल जाता है जॉब नोटिफिकेशन का, इस पर क्लिक कर देना है। चलिए अब मैं डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको देखिए 6 नंबर में यहाँ पर सीरियल नंबर है बिहार सक्षमता परीक्षा। यहाँ पर देखिए दिया गया है विज्ञापन संख्या, क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करना है। यहीं से भी आप आवेदन भी कर सकते हैं रजिस्टर न्यू कैंडिडेट के बटन पर क्लिक करके। इसके पहले बता दूं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मौजूद है। लाइव टेस्ट देने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रैक्टिस टेस्ट लिंक, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही न्यू टैब में एक पेज ओपन होगा जहाँ से आप एग्जाम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट द एग्जाम के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के लिए ऑप्शन आएगा। दोस्तों अभी नहीं दर्ज करना है, जब आप परीक्षा में जाइएगा भवन में बैठिएगा तो वहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको लैंग्वेज चूज करना है। यहाँ पर डिफॉल्ट में इंग्लिश दिखाई दे रहा है लेकिन वहाँ पर आप चूज कर लीजिएगा जब परीक्षा में बैठिएगा। कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से ओके बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए टर्म एंड कंडीशन को आपको पढ़ लेना है। डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद आपको नीचे जाना है। यह डिस्क्लेमर हिंदी में भी मिलेगा तो यहाँ पर देखिए पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है यह अभ्यास परीक्षा 30 मिनट की अवधि के लिए है। यह परीक्षा के लिए प्रश्न की कुल संख्या 25 है। वास्तविक परीक्षा के विवरण नीचे दिए गए हैं। इस परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट की है। इस परीक्षा के लिए प्रश्नों की कुल संख्या 150 होंगी। इस परीक्षा के लिए अंक भी 50 हैं। परीक्षा में केवल 5 अनुभाग होगा। प्रत्येक प्रश्न में समान अंक होंगे अर्थात प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। यदि आप गलत करते हैं तो नकारात्मक अंकों के लिए कटौती नहीं होगी। यहाँ पर कहा गया है कि कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास आपका कोई निजी सामान न हो। आपके पास केवल आपका प्रवेश पत्र और पहचान पत्र ही होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ, यहाँ पर आईडी में क्या डालना है जब लॉगिन करते समय, तो आप पहले ही समझ लीजिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपके सामने उपलब्ध कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको अपना रोल नंबर प्रवेश पत्र में दिया गया है उपयोगकर्ता आईडी लॉगिन आईडी के रूप में दर्ज करना होगा। यानी कि आप अपना रोल नंबर लॉगिन आईडी के जगह पर यानी कि यूजर नेम के जगह पर दर्ज करेंगे और आपका पासवर्ड आपकी जन्मतिथि होगी जैसा कि आपको प्रेस पत्र में अंकित किया गया है। यहाँ पर जो जन्मतिथि है इसी तरह से आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको मैंने पढ़ लिया है इस पर क्लिक करना है। मैंने अनुदेशों को पढ़ लिया है इस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपके सामने टेस्ट यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप टेस्ट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। देखिए प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो बड़ा होगा, यहाँ से आपको छोटा होगा। यहाँ पर देखिए टाइम चल रहा है, टाइम पर आपको ध्यान देना होगा कितने टाइम लेफ्ट हो रहे हैं। यह टाइम घट रहा है, आप देखिएगा यह टाइम घट रहा है। यहाँ पर देखिए यूजर नेम आपका रहेगा, यहाँ पर आपका कैंडिडेट का नाम रहेगा तो यहाँ पर अपना नाम देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर फोटो रहेगा तो फोटो भी देख लीजिएगा। अब क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है। कैसे देना है आइए जानते हैं। मान के चलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए है तो ए पर टिक करेंगे, बी है तो बी पर टिक करेंगे। यदि सही है तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है इस तरह से। चलिए अब बात करते हैं, मान के चलिए इसका आंसर मुझे पता नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर टिक कर दिया हूँ, तो क्या करना है। इसका उत्तर बाद में देना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए टैग का बटन है, इसको टैग पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए टैग हो जाता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए यह ब्लू में बदल गया, यानी कि आप इनको चिन्हित कर चुके हैं, आप बाद में इसका उत्तर देने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं उत्तर नहीं देने वाला हूँ, इसी तरह से नेक्स्ट कर देता हूँ। मान के चलिए यहाँ पर मैं टिक कर दिया, इसको आप साफ साफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इराइज का है बटन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देखिए यह हट गया।
यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं, मान के चलिए यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, हल करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन के बटन पर क्लिक कर देना है। प्रीवियस क्वेश्चन के बटन पर क्लिक करते ही आपको तीसरा क्वेश्चन दिखाई देगा, इसको आपको सॉल्व कर देना है और यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। यदि आप दो नंबर को हल करना चाहते हैं तो दो नंबर पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आप ऐसे ही लगाकर टैग कर दिए थे तो डिलीट टैग के बटन पर क्लिक कर देना है, यह देखिए हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर आ गया। इसके बाद मान के चलिए चौथा क्वेश्चन है तो चौथा क्वेश्चन को मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक, इसके बाद इसको भी टैग करता हूँ और यहाँ से मैं नेक्स्ट पर चला जाता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। यदि मैं चाहता हूँ इसको फिर हल करने के लिए तो प्रीवियस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर बदलना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, तो आपको सबसे पहले डिलीट टैग पर क्लिक करना होगा, ये हट जाएगा, उसके बाद ही आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करना है। पीछे मैं देख लेता हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन पर क्लिक किया हूँ, देखिए यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करना है। यदि आप मान के चलिए डायरेक्ट किसी क्वेश्चन पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए फाइव नंबर है, इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपको टिक करना है, यहाँ से आपको प्रीवियस कर लेना है। आप देख सकते हैं प्रीवियस करने के बाद में यहाँ पर देखिए ग्रीन हो गया। आप क्या करेंगे, करेंगे यहाँ पर प्रीव्यू सबमिट, प्रीव्यू सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए कंफर्मेशन दिखाई दे रहा है, डू यू वांट टू प्रोसीड विथ योर सबमिट, सबमिट करना चाहते हैं तो यस बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आसानी से एग्जाम का टेस्ट दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो समेत कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।